वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम जनाब मिड ऑफ द वीक में आ चुके हैं। टाइम कितनी तेजी से गुजर रहा है हमें वाकई पता नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले लग रहा था कि मंडे है, दो दिन पहले, और आज वेंसडे आ चुका है जनाब और मिड ऑफ द वीक में हम आ गए। आहिस्ता आहिस्ता वीकेंड की जाने बढ़ रही है, थोड़ा मैं इसलिए थ्रिल पैदा करती हूँ क्योंकि वीकेंड की एक्साइटमेंट एक डिफरेंट होती है। लेकिन उसके साथ साथ जनाब आपसे मिलने की और सुबह यहाँ पर आपको आकर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन बताने की हमारी एक्साइटमेंट जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, और हमारी कोशिश होती है कि हमारे व्यूअर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमसे कलेक्ट करें, और उसके बाद अगर उनको हेल्थ से रिलेटेड किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, और इसके अलावा घर बैठे दुनिया में जो जो हो रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। अच्छा जनाब क्या हो रहा है कि आपने कभी सोचा है खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया हो, कोई हादसा हो, तो आप जो ज़बान बोलते हैं वो आप ज़बान बोलना भूल जाएं। ऐसा ही हुआ जनाब, एक खातून एक हादसे का शिकार हुई और उसके बाद वो अंग्रेज़ी बोलना जो है वो भूल गई, और जो उनकी मदर लैंग्वेज थी जर्मन, सिर्फ उनको वो लैंग्वेज याद रही। और ये वाकया जनाब हुआ कुछ माह कबल, जहाँ पर अमेरिका में खातून जो है साइकिल पर जा रही थी और तेज़ रफ्तारी के बाइस जो है उनकी टक्कर हुई और वो हादसे का शिकार हो गई। एक साइकिल सवार से जब उनकी टक्कर हुई तो उसके बाद बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद जब उन्हें होश आया तो हॉस्पिटल में उन्हें लोगों की गुफ्तगू समझ नहीं आ रही थी, और जब ये गुफ्तगू समझ नहीं आई तो डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें जनाब एक मर्ज है जो लाहक हो गया। वो मर्ज क्या है, जिसे सेकेंडरी लैंग्वेज लॉस कहते हैं, और इस अजीब कैफियत में मुब्तला मरीज जो है वो दूसरी जुबान को भूल जाता है। और जबकि इंसानी दिमाग का आपको पता है कि इतना सेंसिटिव होता है कि बाज़ अवकात वो अल्फाज अदा करना भी भूल जाता है। कभी कभी हमारे साथ भी प्रॉब्लम होती है कि किसी वर्ड की प्रोनंसिएशन या कुछ ऐसा वर्ड हमारे जहन में नहीं आ रहा होता। लेकिन ये हादसे के बाद जनाब इनको सिर्फ अपने बचपन में जो सीखी हुई इन्होंने जर्मन लैंग्वेज थी सिर्फ वो समझ आई, और या सिर्फ ये वही बोल सकती थी जो अंग्रेज़ी इन्होंने जो कहले लेटर एज में सीखी वो ये बिल्कुल भूल चुकी थी। और ये हादसे की वजह से जिसको कहा जा रहा था कि ये सेकेंडरी लैंग्वेज जो लॉस है उस नाम के मुताबिक इस नाम की एक मर्ज है जो जिसका ये शिकार हुई, और जो इनको जो लैंग्वेज थी उससे जो सेकेंडरी इनकी लैंग्वेज थी वो उसको बिल्कुल भूल गई, जो प्राइमरी लैंग्वेज जर्मन थी सिर्फ उनको वो याद रही। तो जनाब ये बड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन ये ऐसी भी बीमारियाँ या ऐसे भी हादसे के बाद आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी हो सकता है। अच्छा जनाब अभी हम बात करने वाले हैं सबसे उम्र रसीदा खरगोश के हवाले से, और वो खरगोश जनाब कैसा है आपने, वैसे खरगोश तो वैसे बहुत प्यारे लगते हैं, तो क्यूट से होते हैं, लेकिन उनकी शरारतें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन जब एक घर में एक जो खरगोश रह रहा हो वो घर का हिस्सा बन जाए तो उसके साथ साथ जो अटैचमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। माइक नामी ये खरगोश है जनाब, जिसको एक अमेरिकन खातून ने 2004 में अपनी कफालत में लिया था, और इनको ये इस ऐसे इदारे से मिला था जहाँ जानवरों को तहफ़ फराम किया जाता है और उनकी कफालत की जाती है। लीज़ा है इनका नाम, और ये इसी इदारे में काम करती थी, जबकि उनकी एक दोस्त जो थी वो माइक को यानी कि इस रैबिट को उनके पास छोड़कर चली गई और वापस नहीं आई। और 5 वर्षों से जो माइक है लीज़ा के पास है, और घर में उनके ख़ानदान की तरह ख़ानदान के एक फर्द की तरह रह रहा है। और रवा बरस जो फरवरी में लीज़ा ने माइक की 16वीं सालगिरह मनाई और बढ़ती हुई उम्र पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से रब्ता किया, और ज़रूरी कार्रवाई जो डॉक्यूमेंटेशन के बाद ये प्रूफ हुआ कि 16वीं सालगिरह पर माइक को दुनिया का सबसे उम्र रसीदा खरगोश जो है वो करार दिया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से। और इससे पहले जो रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के एक जंगली खरगोश के पास था जो 19 साल तक जो है वो जी सका था, और ये अब ये रिकॉर्ड माइक के पास है जो 16 साल की उम्र तक अभी एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये माइक एक खरगोश है, एक इंसान। अच्छा जनाब ये तो हमने आपको बता दिया, अब अगली रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं, वो रिसर्च है पेरिस के हवाले से जो मेरा एक फेवरेट जगह है, पेरिस इज माय फेवरेट। अच्छा जनाब पेरिस खूबसूरती की वजह से तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मकामात या ऐसी गलियाँ भी हैं जो अपनी खूबसूरती की वजह से फेमस तो हैं लेकिन यहाँ के जो रहायशी हैं वो तंग पड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह होने या इतनी खूबसूरत गली होने की वजह से उनकी प्राइवेसी और ये सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब होती हैं। अच्छा जनाब यहाँ पर एक रुई क्रूमेक्स के नाम के साथ एक खूबसूरत सी गली है जो अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर भी है, और यहाँ पर एक फिल्म का शूट भी हुआ है। फिल्म का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मुझे ये पिक्चर्स और ये सारे सुबह में देखी थी, इधर एक फिल्म भी शूट हुई है, और ये बहुत फेमस गली है पेरिस की जहाँ पर बहुत कलरफुल सी बिल्डिंग्स है और ये बनाया गया है। अच्छा जनाब इस जो जगह है इसकी इंस्टाग्राम पर इतनी ज़्यादा पिक्चर्स पॉपुलर हो रही हैं और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन इस गली के जो रिहायशी हैं
वो इस बात पर फख्र करने की बजाय बहुत परेशानी का शिकार भी हो रही है, क्योंकि उनको उन्होंने सिटी काउंसिल को एक दरख्वास्त भी दी है जिसमें कहा है कि यहाँ जो इररेलेवेंट या गैर मुतल्लिका लोग हैं उनकी गली तक रसाई को मना किया जाए या रोका जाए, क्योंकि यहाँ तक कि वहाँ की रहायशियों ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना डाला जिसमें गली में बैरूनी लोगों की तरफ से होने वाली जो कहले नापसंदीदा हरकतें हैं उनकी तस्वीरें डाली गई ताकि लोग यहाँ पर ज्यादा ना आए, जो सिटी काउंसिल इस बात पर नोटिस भी ले। यहाँ के लोग अपना कुछ प्राइवेट या फ्री टाइम चाहते हैं और इस गली के एक रिहायशी ने रेडियो स्टेशन को भी बताया कि जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो खिड़की से बाहर लोग जो हैं वो तस्वीरें लेने लग जाते हैं या कुछ जो लोग हैं वो घंटों इधर वीडियोस बनाते रहते हैं, और ये अमल से उनकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होती है और साथ साथ वो जो कह लें ना ये उनको इनॉय करती है सारी चीज़ें। तो इसको अवेयरनेस या लोगों तक पहुँचाने के लिए कि इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जिसको उन्होंने जो उनको पसंद नहीं आ रही थी चीज़ें एक्टिविटीज़ यहाँ पर उसकी पिक्चर्स भी डाली ताकि लोग या सिटी काउंसिल जो इस बात का नोटिस भी ले। लेकिन ये गली जो अपनी खूबसूरती की वजह से इतनी पॉपुलर है कि लोग यहाँ पर इवन टूरिस्ट भी बहुत सारे आते हैं और ये गली को जनाब वो अपनी पिक्चर्स और इन चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये मामला है जनाब, और इस वजह से यहाँ के रहायशी थोड़े तंग भी हैं। ठीक हो गया जनाब, ये तो हमने आपको बता दी सुबह सुबह रिसर्च। अब जरा आपको पिक्चर ऑफ द डे दिखा देते हैं, उसके बाद आपसे मजीद डिस्कशन करते हैं ना पिक्चर ऑफ द डे। और जनाब ये कबड्डी के हवाले से पिक्चर है। आजकल के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से जो हम बात करते हैं कि बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज और खेलों से हम दूर होते चले जा रहे हैं, जो रवायती खेल की मैं बात करी, अब जो है इस तरह की जो आपको साइट्स बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर हम कंप्यूटर गेम्स और टेक्नोलॉजी में इतना बिजी हैं कि इस तरह की जो गेम्स हैं इनको वक्त नहीं मिलता। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं इन खेलों के अंदर अब खुद को जो खेल बिजी भी रखते हैं और इनमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो कबड्डी इज़ वन ऑफ द गेम्स जो हमारी एक रवायती खेल है और ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दरिया के किनारे इनको किसी प्रॉपर ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, दरिया के किनारे ही अपने शौक को या अपने खेल को में मगन है और इसके लिए तो प्रॉपर एक फील्ड बनाई जाती है लेकिन ये दरिया के किनारे ही बिजी है। जी जनाब पिक्चर ऑफ द डे देख ली, और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेगमेंट में जो कि हमारा न्यूज सेगमेंट होगा, उसमें हम बात करेंगे जो लैपटॉप स्क्रीन है उसको क्लीन चिट मिल चुकी है और दोबारा से स्क्रीन का आगाज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, किस हिकमत अमली के तहत ये तमाम चीजें फर्दर प्रोसेस करेंगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए जागो लाहौर।